तो दोस्तों, अगर आप अपनी YouTube वीडियोस के लिए एक माइक परचेस करने जा रहे हैं या फिर एक हेडफोन परचेस करने जा रहे हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक ऐसे हेडफोन या एक ऐसे माइक का रिव्यू करने वाला हूँ, अनबॉक्स करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है जिसकी, और जिसको मैंने दो दिन यूज़ किया है और यूज़ करने के बाद फुल रिव्यू लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आप देख रहे हैं एवन टेक्नोलॉजी, आइए कुछ करते हैं क्वांटम के इस हेडफोन की। बहुत ही बढ़िया हेडफोन है, बहुत क्लासी लुक है इसका। अभी मैं आपको इसको खोल करके भी दिखाऊंगा, और अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्वांटम का हेडफोन है, हाई डेफिनेशन साउंड क्वालिटी है, और ईयर पैड्स वगैरह इसके बहुत ही अच्छे हैं, काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। 3.5 mm का जैक इसमें मिलता है, जो कि आप किसी भी मोबाइल में फिट कर सकते हैं इजीली। और इसमें आपको 1.4 मीटर की केबल मिलती है, काफ़ी अच्छा इसका एडजस्टेबल होल्डर है और बहुत ही अच्छे थिक पैड्स हैं। तो दोस्तों, चलिए इसको सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं, फिर इसके एक एक पॉइंट पर मैं आपको रिव्यू देता हूँ। तो इसको इस तरीके से ओपन कर लेना है। इस तरीके से जब आप ओपन करेंगे तो देखिए कितना बढ़िया क्लासी लुक में आपके सामने ये हेडफोन आ गया है। वाओ, व्हाट अ लुक यार, रियली अमेजिंग, बहुत ही अच्छा हेडफोन है ये। और ये देखिए कितना अच्छा इसका वो फिनिश है, देखिए एकदम जैसे लग रहा है क्रिस्टल फिनिश में है। देखिए ब्लैक कलर का कितना ज़्यादा क्लासी लग रहा है, ये देख रहे हैं आप। और ये देखिए इसका, ये देखिए होल्डर, देखिए कितना बढ़िया है। इसको आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है, इसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो पतले पतले तार दिख रहे हैं, आपको डर लग रहा होगा कि ये तार कहीं टूट ना जाए, तो मैं आपको बता दूं कि ये तार टूटेंगे नहीं, क्योंकि जितनी लंबी रॉड आपको यहाँ पर मिल रही है उतना ही लंबा तार है, तो ये तार टूटने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसको आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, इसको अगर आप देखेंगे तो इसको भी आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। और ये देखिए दोनों तरफ ये रोटेट हो जाता है, 360 पूरा रोटेट हो जाता है। अगर आपको एक कान में सुनना है तो आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, दूसरे कान से नहीं अगर सुनना है तो इसको आप हटा सकते हैं, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया हेडफोन है ये, इसकी साउंड क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है, मैं दो दिन से यूज़ कर रहा हूँ और आप देख भी रहे हैं कि लाइव सेशन वगैरह में मैं इसको यूज़ करता हूँ, और बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी है इसकी, काफ़ी ज़्यादा हाई डेफिनेशन साउंड क्वालिटी। और नीचे की ओर देखते हैं तो नीचे की ओर आपको यहाँ पर एक माइक मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पर आपको एक माइक मिल जाता है, और ये माइक की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम रॉकर मिल जाता है, अप एंड डाउन करके इसको वॉल्यूम रॉकर है। और ये देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो इस जगह पर आपको दो पॉइंट्स मिलते हैं, ये पीसी के लिए होता है एक्चुअली, पीसी या लैपटॉप के लिए, जिसमें आपको दो पॉइंट्स दिए जाते हैं, एक माइक का होता है और एक होता है स्पीकर का। तो जो ये रेड वाला है ये माइक का होता है और ये होता है स्पीकर का। अगर आप इस हेडफोन को अपने फ़ोन में यूज़ करना चाहते हैं, मोबाइल में यूज़ करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं या फिर गाना सुनना चाहते हैं, तो आप इस वाले जैक से काम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अपने लैपटॉप में लाइव सेशन लेना चाह रहे हैं या किसी से बात करना चाह रहे हैं, तो आपको ये दोनों जैक्स लगाने पड़ेंगे, एक होता है माइक का और एक होता है। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये देखिए हेडफोन है, कितना ज़्यादा क्लासी लगता है इसका लुक। अगर आप चाहें तो अपने लिए परचेस कर सकते हैं। और इसकी कीमत मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो आप लोग चौंक जाएंगे कि इसकी कीमत कितनी है, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और मैं आपको ये पहन करके दिखाता हूं कि कितना बढ़िया ये हेडफोन है, मतलब कि लगा करके दिखाता हूं, पहन करके क्या मतलब लगा करके दिखाता हूं। तो दोस्तों देखिए, इसको हल्का सा आप लोगों को इस तरह से एक्सटेंड करना है अपने हेड के अकॉर्डिंग, और इसको इस तरीके से लगा लेना है। कितना बढ़िया एडजस्टेबल है, देखिए पूरे ईयर पर आ गया है, आपका कान कहीं से दिख नहीं रहा है। नॉइस कैंसिलेशन भी है इसमें, बाहर की आवाज आपको अंदर नहीं सुनाई देगी, क्योंकि इसके ईयर पैड्स काफी ज्यादा थिक हैं और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं। और अगर आप लैपटॉप पर काम करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप लाइव सेशन वगैरह करें या किसी से बात वगैरह भी करते रहें, तो आपको दोनों जैक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो दो जैक्स हैं, इन दोनों जैक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा आप लोगों को। और अगर बता दूं मैं आपकी, मोबाइल से अगर आप किसी से बात करना चाह रहे हैं या गाने वगैरह सुनना चाह रहे हैं, तो आपको सिर्फ यही एक जैक का काम है। इसी जैक को अगर आप लगाएंगे अपने 3.5 mm वाले जैक में मोबाइल के, तो आपका स्पीकर भी काम करेगा और माइक भी काम करेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्लासी लग रहा है और ख़राब नहीं लग रहा है, क्योंकि कुछ हेडफोन्स इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि हेड पर बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है। और छोटे में ये बहुत ही अच्छा हेडफोन है, इसकी साउंड क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है, माइक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। जो मैं आवाज़ यहाँ से बोलता हूँ आप तक बहुत ही साफ और क्रिस्टल क्लियर आवाज़ जाती है, क्योंकि दो दिन से मैं इसको देख रहा हूँ, दो दिन से मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ और इसका रिव्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज मैंने इसका प्रॉपर तरीके से रिव्यू आपको दिखा दिया, बता दिए। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एक कान से आवाज़ सुननी है, तो एक कान से आप इसको इस तरीके से टिल्ट कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से अगर आप इसको टिल्ट कर देंगे, हटा देंगे, तो आपके सिर्फ एक कान में ही आवाज़ आएगी, यहाँ से आपको आवाज़ नहीं आएगी, तो आपको डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। बाकी अगर आप चाहें तो इसके एक ईयर पैड को इस तरीके से 360 डिग्री ऐसे घुमा करके और ऐसे भी सुन सकते हैं, इस तरीके से भी सुन सकते हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप बीच बीच में आपको सुनना है, तो आपको इस तरह से भी लगा करके सुन सकते हैं, ठीक है। और देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं आपको दिखाऊँ कि इसको कितना बढ़िया लुक आप दे सकते हैं। इस तरीके से आप इसको गले में डाल लीजिए और डाल करके भी आप अपना
काम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इसमें आवाज़ जाती रहेगी, माइक में आवाज़ जाती रहेगी। कभी आप कोई ऐसी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जिसमें आपको सुनने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ बोलने की ज़रूरत है, तो आप इसको इस तरह से लगा करके छोड़ दीजिए, इसको गले में टांग करके। आपको हेड पर इसको लगाए रहने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे नेक पर इस तरह से लगा लीजिए और इसको बोलते चले जाइए। जो भी आपको बोलना है, लेक्चर देना है, स्पीच देनी है, जो भी करना है वो करते जाइए। आपकी सारी आवाज़ इस माइक के थ्रू रिकॉर्ड होती चली जाएगी या फिर जहाँ पर आप भेजना चाह रहे हैं वहाँ पर पहुँच जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है, नेक पर भी इसको लगाने का कितना बढ़िया ट्रेंड है। देखिए जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोग इसको लेना चाहते हैं तो मैं फिलहाल तो मैंने इसको लोकल मार्केट से परचेज किया है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अमेजन और फ्लिपकार्ट वगैरह पर भी ये अवेलेबल है। मैं आपको इसका मॉडल नंबर बता दूंगा अगर आप लेना चाहेंगे तो। और मैं इसकी बात करते हैं इसके प्राइस की कि ये कितने रुपए का है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, आप जान करके चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि इसकी जो प्राइस है, इसकी जो कीमत है वो है मात्र 590 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 590 रुपीज़ का ये हेडफोन है। बहुत ही क्लासिक, बहुत ही अच्छा हेडफोन है। रियली मैं किसी प्रकार का कोई स्पॉन्सर्ड वगैरह प्रोग्राम नहीं है, इसको मैंने खुद अपने लिए परचेज किया है, इस वजह से मैं इसको अनबॉक्स करके मैं आप लोगों को रिव्यू दे रहा हूँ और 2 दिन यूज़ करने के बाद मैं इसका रिव्यू आप लोगों को पेश कर रहा हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, चीप है और बेस्ट है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। दूसरी बात कि दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसकी जो ब्रांड है ये किस ब्रांड का है, ये है क्वांटम का, और क्वांटम पूरी तरीके से एक्सपर्ट है इस तरीके की एसेसरीज वगैरह बनाने के लिए। तो दोस्तों आप निसंदेह आप इस हेडफोन के साथ जा सकते हैं, इस हेडफोन को ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, और ये हेडफोन आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने कि कितना अच्छा हेडफोन है, कितनी अच्छे फीचर्स हैं इसके अंदर, कितनी अच्छी क्वालिटी है और कितना कम दाम है इस हेडफोन का। तो अगर आप भी अपने यूट्यूब वीडियोज के लिए कोई माइक या कोई हेडफोन परचेज करने जा रहे हैं तो इस हेडफोन के साथ आप जा सकते हैं। इसका माइक क्वालिटी वगैरह एकदम लाजवाब है, उम्दा है, बहुत ही अच्छी है। ठीक है, बाकी वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अनबॉक्सिंग और रिव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये अनबॉक्सिंग और रिव्यू आप लोगों को अच्छी लगी है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हेडफोन आप लोगों को कैसा लगा है, और अगर आपने इस हेडफोन को पहले कभी यूज किया है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपने क्वांटम के किस एसेसरी को यूज किया है। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे देखिए बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट और आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा हुआ है, तो आप वहां पर भी जाकर के मुझको फॉलो कर सकते हैं। मैं वहां पर 24 घंटे अवेलेबल रहता हूं और सभी को रिप्लाई करता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।